है आज मानव नेत्र की संरचना पे। मानव नेत्र की संरचना के अंदर अगर आंखों को देखा जाए तो मानव की दोनों आंखें एक साथ एक वस्तु पर केंद्रित होती है। एक साथ किसी भी चीज को देखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना, तो दोनों आंखें एक साथ केंद्रित होती है। कुछ जीव धरती पर ऐसे होते हैं जिनकी एक आंख इधर देखती है, दूसरी आंख इधर देखती है, लेकिन मनुष्य की दोनों आंखें एक साथ केंद्रित होती है। और एक साथ केंद्रित होने के कारण मानव की आंख में जो दृष्टि पाई जाती है उस दृष्टि को द्विनेत्रीय दृष्टि कहते हैं। द्विनेत्रीय दृष्टि, मानव की आंख में द्विनेत्रीय दृष्टि पाई जाती है। द्विनेत्रीय दृष्टि जिसमें दोनों आंखें एक साथ केंद्रित होती है। मानव की आंख में जो दृष्टि क्षेत्र है टोटल, अब मैं खड़ा हूं यहां से मेरे को ये दिख रहा है और इधर से मेरे को ये दिख रहा है, मैं मेरी गर्दन नहीं घुमा रहा हूं फिर भी दिख रहा है, यानी मानव के आंख का दृष्टि क्षेत्र 200 डिग्री है। मानव के आंख का द्विनेत्रीय दृष्टि में दृष्टि क्षेत्र 200 डिग्री है, 200 डिग्री मानव की आंख का दृष्टि क्षेत्र दिखाई देता है। फिर बात करते हैं मानव आंख में फोटो किधर बनता है, कैसा बनता है, उसको कौन पहचानता है। तो किसी भी चीज को जब अपन देखते हैं तो प्रकाश आकर के आंख में गिरता है। आंख के अंदर जो ये आगे का भाग है, इस आगे के भाग का अपन ने नाम लिखा है यहां पे कॉर्निया। आंख के अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश, प्रश्न आता है किस भाग से अपवर्तित होता है, तो आंसर रहेगा उसमें कॉर्निया। इस कॉर्निया से अपवर्तित होकर के प्रकाश अंदर घिसता है और अंदर जाने के बाद में ये सामने इधर जो भाग बना हुआ जिसका नाम है दृष्टि पटल या जिसका नाम है रेटिना, इस रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब यहां पे बनता है हमेशा उल्टा, वस्तु से छोटा और छोटे के साथ साथ में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो मानव आंख में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा, वास्तविक निर्मित होता है। आंख के अंदर जो लेंस लगा हुआ है, इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। उत्तल में भी दोनों तरफ से है तो नाम हो जाएगा उभय उत्तल लेंस। मानव आंख में उभय उत्तल लेंस लगा होता है और इस लेंस को पकड़ने के लिए दोनों तरफ पेशियां पाई जाती है जिसको पक्षमाभि पेशी कहते हैं। तो पेशी का नाम है पक्षमाभि पेशी। ये दोनों तरफ पक्षमाभि पेशी पाई जाती है। मानव आंख में पक्षमाभि पेशियां नेत्र लेंस को पकड़ करके रखती है। फिर बात करते अंदर आकार। इस आंख को वास्तविक आकार देने का काम काचाभ द्रव करता है। काचाभ द्रव जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, अपवर्तनांक जिसको दर्शाते हैं म्यू से, और मानव आंख का अपवर्तनांक 1.33 होता है। मानव आंख के अंदर उत्तल लेंस, इधर की तरफ काचाभ द्रव, इधर की तरफ दृष्टि पटल, दृष्टि पटल के बाहर की तरफ होता है रक्तक पटल, रक्तक पटल के बाहर की तरफ होता है श्वेत पटल। मानव आंख तीन आवरणों से कवरिंग रहती है, सुरक्षित रहती है। पहला है श्वेत पटल, दूसरा रक्तक पटल और तीसरा दृष्टि पटल। मानव आंख के अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश हमेशा इस पुतली से कंट्रोल होता है। आप लोगों ने फील किया होगा जब आप कमरे में बैठे हो, नाइट है, रात है, अचानक लाइट चली जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ी देर में वापस हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? तेज प्रकाश में अपनी पुतली सिकुड़ करके छोटी हो जाती है और अचानक हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वही थोड़ी देर में ये पुतली फैल करके बड़ी हो जाती है तो हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। यानी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है पुतली। इस पुतली के द्वारा प्रकाश कंट्रोल होता है। इस मानव आंख का जो डोला है, ये पूरा जो गोलक है, इस गोलक का व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर गोलक का व्यास होता है, कैमरे की भांति काम करता है। अब देखना मेरी आंखें, देखना दोनों आंखें ना एक साथ केंद्रित कर रहा हूं मैं, यूं कंडीशन ये आंखें यूं आ रही है, ये आंखें बहुत ज्यादा केंद्रित हो रही है अंदर की तरफ, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो घटना हो रही है ना, ये केंद्रण की घटना है जिसको समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता यूं हो रहा है, यूं मेरी आंखें एक साथ आ रही है, यश यश यश, आंखें एक साथ केंद्रित हो रही है। बहुत ज्यादा केंद्रित होकर के रख सकते हैं अपन, ऐसे करके रख सकते हैं।
ये जो घटना हो रही है इसको समंजन क्षमता कहते हैं। मानव की आंख का कितना शानदार मेगापिक्सल है जो कितनी दूरी पर स्थित वस्तु को देख सकती है, और मानव आंख के लिए वो अधिकतम दूरी जहां स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस अधिकतम दूरी को अनंत बिंदु कहते हैं। मानव आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है और मानव आंख के लिए नजदीक दूरी, यूं रखो ना आप पढ़ते समय, हेलो पढ़ते समय अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर तक है तो आंख पे कोई लोड ही नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से निकट रखोगे तो कहते हैं ना कि पढ़ाई एकमात्र ऐसी दवा है, पढ़ाई एकमात्र ऐसी दवा है नींद की, 2 मिनट 5 मिनट लो पढ़ाई तो अपने आप नींद आ जाती है, पता ही नहीं कब आंखें बंद हो जाती है, होती है ना। तो पढ़ाई करते समय आपकी किताब आंखों से 25 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए, उससे आंखों पे कोई लोड नहीं पड़ता है। तो मानव आंख के लिए निकट बिंदु जो रहता है, इस निकट बिंदु की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, और मानव आंख के लिए दूर बिंदु की दूरी होती है अनंत। मानव आंख के लिए दूर बिंदु अनंत है जबकि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पे बढ़ता है। मानव आंख के लिए दूर बिंदु निकट बिंदु दोनों के बीच की दूरी, दूर बिंदु है अनंत, निकट बिंदु है 25, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसे कहते हैं दृष्टि परास। दृष्टि परास, दृष्टि परास। आपने देखा होगा जब आदमी वृद्ध हो जाता है तब उसको न तो निकट का दिखता है न उसे दूर का दिखता है। ऐसा इसलिए होता है कि आंख के अंदर इस लेंस को पकड़ने के लिए जो पक्ष्मापी पेशियां पाई जाती है, ये पक्ष्मापी पेशियां टाइम के साथ काम करना बंद कर देती है, इसलिए उस व्यक्ति को न तो दूर का दिखता है न उसको निकट का दिखता है। तो ये क्यों होते हैं, तो अपन कुछ आंख के अंदर होने वाले दोषों के बारे में पढ़ेंगे। मानव आंख में टोटल 5 प्रकार के दोष होते हैं बच्चों, मानव आंख में 5 प्रकार के दोष। 5 प्रकार के दोषों में सबसे पहले दोष का नाम है दूर दृष्टि दोष, या दूर को दूसरा नाम देते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। आजकल ये परीक्षाओं में नए ट्रेंड में पूछा जाता है, दूर को हटा दिया दीर्घ को हटा दिया, मतलब दोष नहीं हटाए नाम हटाए, और इसके स्थान पर पूछा जाता है हाइपरमेट्रोपिया क्या है। ये मार्केट में नया शब्द है साला, हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया क्या है, देखिए परिभाषा बड़ी सिंपल है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखती है निकट की दिखाई नहीं देती है, तो दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए लेंस लगाते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। फिर आ जाता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष जिसको कहते हैं मायोपिया, और इस निकट दृष्टि दोष के कारण निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। देखो परिभाषा दोनों की उल्टी चल रही है, दूर में दूर की दिखाई देती है निकट की नहीं दिखती है, निकट में निकट का दिखता है दूर का नहीं दिखता है। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं वो अपन चित्र पे चलेंगे तब पता चलेगा। और निकट दृष्टि दोष जिसको कहते हैं मायोपिया, और इसका निवारण करने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस। तो इसके लिए अवतल लेंस लगाते हैं। उसके बाद में अच्छा ध्यान रखना, अभी अपन ने देखा था उत्तल लेंस की क्षमता कैसी, प्लस, और अवतल की माइनस। देखो कुछ आइटम होते जिनके एनक लगा होता है ऊपर लिखा होता है ये प्लस वाला एनक है, कईयों के माइनस वाला होता है। प्लस का मतलब उत्तल है और उत्तल लगता है दूर दृष्टि दोष में, मतलब उस आइटम को दूर का दिखता है निकट का दिखाई नहीं देता है। अगर किसी के लेंस माइनस वाला लगा हुआ है, माइनस वाले का मतलब अवतल है, अवतल लगता है निकट में, निकट में निकट को निकट दिखता है जबकि दूर का दिखाई नहीं देता है। प्रश्न आ गया कि एक व्यक्ति जिसको दूर का दिखाई नहीं देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, तो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, और जिसको निकट का नहीं दिखता उसको कौन सा है, दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में लेंस लगता है प्लस वाला और निकट के लिए लगता है माइनस वाला। तीसरा दोष है जरा दृष्टि दोष,
जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष हो जाता है बुढ़े के अंदर, बुढ़े व्यक्तियों में जरा दृष्टि दोष होता है, जिसको दूसरा शब्द कहते हैं प्रेस्बायोपिया, प्रेस्बायोपिया। और इस प्रेस्बायोपिया के कारण मानव आंख के अंदर जो समंजन क्षमता है, समंजन मतलब लेंस का छोटा होना बड़ा होना, ये कुछ भी उसमें नहीं होता है। कितना टाइम हुआ? साढ़े दस मिनट। चलो ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेस्बायोपिया कहते हैं। प्रेस्बायोपिया के कारण ना तो निकट का और ना दूर का दिखाई देता है, मतलब बूढ़े आदमियों में ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है, जितना है उतना ही रहता है। बूढ़े व्यक्तियों में कुछ भी नहीं होता, फिर सिस्टम काम नहीं करता है, न तो बड़ा होता है न छोटा होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए बेचारों को न तो निकट का दिखता है न उनको दूर का दिखता है। ऐसे व्यक्ति को जब लेंस देते हैं, ऐनक देते हैं, तो उसमें दोनों लेंस एक साथ लगाते हैं, और लगाने में आपने देखा होगा बुढ़ा में जो लेंस लगता है उसमें नीचे की तरफ होता है अवतल, नहीं नीचे की तरफ होता है उत्तल, और ऊपर की तरफ होता है अवतल। ऊपर की तरफ अवतल लेंस और नीचे की तरफ उत्तल लेंस, नीचे उत्तल ऊपर अवतल, और ऐसे लेंस को कहते हैं द्विफोकसी लेंस। प्रश्न आता जरा दृष्टि दोष का निवारण किससे होता है, तो आंसर रहेगा द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस लगाया जाता है उत्तल में, उत्तल दूर के लिए, अवतल निकट के लिए, और द्विफोकसी जरा दृष्टि दोष के लिए। प्रश्न आ जाता है जरा दृष्टि दोष उत्पन्न क्यों होता है, तो आंसर होगा नेत्र लेंस की समंजन क्षमता समाप्त तो हो जाती है, समंजन क्षमता समाप्त तो हो जाती है। दो दोष और रहते हैं, दो दोषों में एक दोष आता है चार नंबर पे। इस चार नंबर वाले दोष का नाम है अबिंदुकता। चार नंबर पे अबिंदुकता, या इसको दूसरा एक मस्त नाम है, बोल दो आप वो पूछो तो कहूं मैं, बता दो सभी को। तो चार नंबर वाले का नाम है दृष्टि वैषम्यता। दृष्टि वैषम्यता, दृष्टि वैषम्यता, या इसको कुछ ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं, इसको कहते हैं एस्टाइगमैटिज्म। एस्टाइगमैटिज्म, एस्टाइगमैटिज्म, ये बड़े खतरनाक आइटम होते हैं साले। अगर इधर वाले को देखना तो यूं देखते हैं, और भाई साहब क्या चल है, आप देख रहे हो, इधर देख रहा है, इधर नहीं देख रहा है, देख इधर रहा है, और भाई साहब सब ठीक तो है ना, हेलो ठीक है, मतलब उसको सामने दिखाई नहीं देता है। अरे इस दोष के अंदर दोनों आंखें जो है एक फास्ट गति करके, यूं जैसे मैं आंखें गति कर रहा हूं, यूं ये गति हो रही है ना इसमें, उस आइटम में जिसको ये हो रखा है, उसमें एक आंख तेज घूमती है दूसरी वाली धीरे घूमती है। अच्छा, जैसे सामने ऐसे यू बना हुआ है, ऐसे ये है क्षैतिज पंक्तियां, कैसी है क्षैतिज, और ये कैसी है ऊर्ध्वाधर। हाँ, एक साथ पहचान नहीं सकता, उसको आप ऐसा दिखा दो तो वो वाला क्या कहेगा, ये तो आड़ी रेखा ऊपर तो है ही नहीं, अरे अकल मुंगे इसमें सब है, तेरे को नहीं दिखता है। मतलब ऐसा दोष जिसको होता है ना उसको टेंशन नहीं है, टेंशन अपने को है कि साले को दिखाई नहीं देता है। आप इस आइटम को भेज दो कपड़े की दुकान पे और इसको चौकड़ी वाला शर्ट दिखा दो, दुकानदार को परेशान करता है, क्या यार प्लेन शर्ट लाया चौकड़ी वाला लाया ना, दुकानदार कहता साले ये तो चौकड़ी वाला, लेकिन वो क्या कहता है ये तो प्लेन है, क्योंकि दिक्कत क्या है, उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। प्लस ये देखो ये वस्तु, ये गोलाकार है और ये अंडाकार है, पता तो चला इस आइटम को अंडाकार वस्तु गोलाकार दिखाई देती है और गोलाकार वस्तु अंडाकार दिखाई देती है, बहुत गजब है। आप ऐसा बनाओगे भाई साहब तो वो क्या बोलेगा, भाई साहब ये तो वृत्त है, और आपने बना दिया वृत्त, वो बनेगा ये तो अंडाकार वस्तु है, तो ऐसा हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों का दोष निवारण करने के लिए जो लेंस लगाते हैं वो लेंस होता है बेलनाकार लेंस। कौन सा? बेलनाकार लेंस लगाया जाता है, तो बेलनाकार लेंस लगाते हैं, और बेलनाकार मोटा लेंस होता है, फिर वो आदमी ऐसे ऐसे स्टंट मार के खड़ा होगा ना, देख तो इधर, लेकिन सामने वाले को पता नहीं पड़ेगा कि साले की घूमी हुई है, समझ गए कि नहीं, तो ऐसा होता है। तो इसको
कहते हैं अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्यता। पांचवा एक लास्ट है, बता दो। चलो आपने देखो, अपने यहाँ सुना होगा देसी भाषा में, आंखों में भूलो पड़े हो, ऐसा कहते हैं ना। तो वो वाला है जिसको कहते हैं मोतिया बिंद। ए मोतिया बिंद, पांचवे का नाम है मोतिया बिंद, या जिसको कहते हैं कैटेरेक्ट। मोतिया बिंद या इसको कहते हैं कैटेरेक्ट, मोतिया बिंद या जिसको कैटेरेक्ट कहते हैं। हेलो, मोतिया बिंद या कैटेरेक्ट, इस मोतिया बिंद के कारण आंख के अंदर जो लेंस लगा हुआ है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल। उत्तल की क्षमता प्लस में होती है, और कौन से दोष में लगता है? दूर दृष्टि दोष में। वेरी गुड। मानव आंख के अंदर लेंस की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है, फिर बाहर की प्रकाश किरणें अंदर नहीं घुस पाती है। ओ आइटम, बाहर की प्रकाश किरणें अंदर नहीं घुस पाती है, इसलिए उस व्यक्ति में ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करते, ऑपरेशन को कहते हैं शल्य क्रिया। ऑपरेशन को कहते हैं शल्य क्रिया। ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन में अंदर वाला लेंस बाहर, मस्त लेंस अंदर चेपा जाता है, और उस लेंस को कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, जिसको आई ओ एल कहते हैं। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस लगाया जाता है, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। प्रश्न आता है मोतियाबिंद का निवारण किससे? शल्य क्रिया से। उसमें इंट्रा ऑक्यूलर लेंस लगाया जाता है, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस लगाया जाता है। तो इंट्रा ऑक्यूलर लेंस का प्रयोग किया जाता है, और ये पांच दोष थे। सबसे पहला था दूरदृष्टि, जिसमें लगता था उत्तल। दूसरा था निकट दृष्टि, जिसमें अवतल। तीसरा था जरा दृष्टि दोष, कौन सा लगता था? द्विफोकसी, जिसमें नीचे उत्तल ऊपर अवतल। चौथा है दृष्टि वैषम्यता या एस्टाइगमेटिज्म, जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक साथ दिखाई नहीं देती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये तेज मोटरसाइकिलें चलाते हैं तो आंख के अंदर जो कॉर्निया ना, इस कॉर्निया की गोलाई में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, और कॉर्निया की गोलाई में जब अनियमितता आ जाती है, इररेगुलरिटी आ जाती है, तो उसके कारण इररेगुलरिटी अनियमितता के कारण ये दोष हो जाता है, और इसमें लेंस लगाते हैं बेलनाकार। तो इस प्रकार से मानव नेत्र, नेत्र की संरचना, इसके दोष, ये सारी कुछ चीजें थी। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।